जैसे अगर बागी बच्चे होते हैं तो बागी बच्चे इस तरह करते हैं कि जाने से पहले बोल देते हैं कि हम जा रहे हैं, हम बागी से भी ऊपर की चीज़ है, हम खा के आके बताते हैं हम हो गए हैं। देखिए ये काला चूजा काला और उसके सफेद पाँव, इतना अच्छा लग रहा है सफेद पाँव। कैसे करता था, ऐसे रखता था ना, ऐसे कुछ करता भाई कट कर। And welcome to another vlog and welcome not from my home. I am sitting in some wards, some doctor's room, जो कि बहुत प्यारा है literally. सारे जितने भी अभी तक मैं doctor's room में चोरी चोरी जाके बैठी हूँ ना, उनमें से सबसे प्यारा ये है। और यहाँ पर आकर फिजूल बातें करने के लिए मैंने vlog start नहीं किया आज, मैंने vlog घर से start नहीं किया क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था घर से कहीं पे भी जाने का। लेकिन हम यहाँ पर आए हैं और आते आते हमने देखा कि मौसम तो बहुत अच्छा है, तो अगर मौसम अच्छा है तो हम इस अच्छे मौसम में काम करके अपना दिन क्यों वेस्ट करें, काम करके हमारा दिन वेस्ट होता है। मैं इसलिए आप लोग को कहती हूँ अपनी सेहत का ख्याल रखें, आपके डॉक्टर्स तो निकल गए हैं हाथों से बाहर। सो हम लोगों ने अभी अचानक से डिसाइड किया कि हम लोग बाहर चलते हैं और खाना खा के आते हैं, कि हम बाहर चलते हैं। हाँ, एक ही जगह हमारी फेवरेट, वो आपने गेस कर लिया, वो लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी है, लेकिन अभी आप गेस करके बताएं कि वो कौन सी होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं और बंक करके पूरा दिन, और अल्लाह करे कि पापा ये व्लॉग ना देखें, और अगर पापा आप देख रहे हैं तो पापा जी लेने दे, चार दिन में जिंदगी के जी लेने दे मुझे। तो अभी मेरा बहुत दिल है कि मैं बात शेयर करूँ, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। डॉक्टर मरियम, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं आपको पता, अगर नहीं करते होंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ डॉक्टर मरियम कौन है। डॉक्टर मरियम जो है ना हमारी, तो आप डॉक्टर्स की एक्टिव होने का, अटेंटिव होने का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि मैंने नहीं ना, नहीं नहीं, सारे मामलों में आप अंदाजा लगा लें कि मैंने इन्हें कहा कि एक लड़की है उसको ये मैसेज कर दो, इन्होंने जो मैंने मैसेज करने को कहा वो मैसेज मुझे कर दिए। मतलब ये आपके डॉक्टर्स का हाल है, आप अपनी सेहत का ख्याल खुद रखें, ठीक है, डॉक्टर्स पे ट्रस्ट ना करें। ये हमारी गपशप की बातों में ना आ जाए, हम बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं प्रोफेशनली, ये प्रोफेशनली मैसेज करने का तुम्हें पता नहीं चला है, पता चले किसी ग्रुप में ये मैसेज कर देती तुम तो अलग बात है, पता चले किसी पेशेंट के मामले में चीज ले ना, ऐसी बात ना करो मेरे बारे में, ऐसी बात ना करो, बहुत रिप्यूटेड डॉक्टर है ये फैसला, बाकी तो लिवर ट्रांसप्लांट कर देती, इतनी टेंशन हुई है इन्हें, लिवर क्लिनिक में बैठती हैं कुर्सी पे, नीचे नहीं बैठती, कुर्सी पे बैठती है। घर वालों को तो हमने बताया नहीं कि हम जा रहे हैं, घर वालों को तो लोग है ना, जैसे अगर बागी बच्चे होते हैं तो बागी बच्चे इस तरह करते हैं कि जाने से पहले बोल देते हैं कि हम जा रहे हैं, हम बागी से भी ऊपर की चीज़ है, हम खा के आके बताते हैं हम हो गए हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट। सिर्फ धूप नहीं है पर हम लोगों ने इसको अच्छा मौसम बना के तो बंक कर लिया। हाँ तो उसका मतलब वही ना, धूप नहीं है डॉक्टर उस्मा, वाई आर यू बकवासिंग, मतलब कैमरा ऑन होते ही आपका दिमाग जो है वो क्या हो जाता है उसे, तो कैमरा बंद में भी नहीं होता। उस्मा तमीज़ नहीं है तुम्हें, कैसे बातें करती हो तुम मेरे से, प्लीज इसको बताएंगे, बात नहीं सुने इसकी, लाल दुपट्टा की इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे तुम्हारे दुपट्टे के कलर में, इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे, इतनी अच्छी लग रही है मैं आपको दिखाऊंगी आज, तो मैं OTT दिखा कर रहूं। देखें ये काला चूजा काला और उसके सफेद पाँव, इतना अच्छा लग रहा है सफेद पाँव, सेंस खुद को नहीं है और दूसरों की ड्रेसिंग सेंस पे औरत सवाल उठा रही है। सिर्फ अगर तुमने ऊपर दुपट्टा ना लिया होता तो मुझे मर्द लग, मर्द तो वही तो मैंने कहा यानी कि इसकी जुल्फे भी छोटी हो गई है, हाँ, हो बिल्कुल लड़कों जैसे बाल करा लिए, लड़कों जितने भी होते हैं मेरे जितने भी होते हैं, पर मेरे कपड़े देखो तुम लाल रंग के, तो अपने कपड़े देखो तो अच्छा लाल रंग जो सब लड़के क्रॉस कर रही है, नहीं नहीं तुम बताओ अपनी याददाश्त बताओ, आज मेरी दोस्त है पुराने स्कूल में वॉशरूम गई, बैठी हुई
देखो इसको याद भी क्या है, कितनी गंदी औरत है ये, घर पे काम करने का क्या क्या है। तू भी साथ ही है, मुझे तो तुम लोग मासूम को साथ मिला लेते हो। किसने? मैं कट कट। एक दरवाजा नहीं खोला जा रहा नलायक, चलो उसको खोल, उसको खोल लो इसे। अच्छा कितने लोगों ने जगह राइट गेस की थी, ये बताए मुझे। वी आर बैक टू रेंचर, कितने लोगों ने राइट गेस किया था ये तो बता दे, मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करके चले गई हो। हम लोग रेंचर्स आए हैं टू आर फेवरेट स्पॉट फॉर बर्गर्स एंड मैं भीग गई हूँ सारी। अल्लाह तोबा, इतनी बारिश। ऑर्डर कर दिया हमने, एक मिनट नहीं हम बैठे, हम आए और हमने बस ऑर्डर कर दिया है। इतने हम लोग जो है ना, और हमें भी भूख भी नहीं लगी, घर से जो नाश्ता करके आए थे ना वो भी नहीं हजम हुआ हमें अभी, लेकिन हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है। कोई सैड प्लेलिस्ट है जिस भी बंदे की है, आई थिंक उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और हमें ऑर्डर किया आधा घंटा हो गया। लिटरली जिस दिन हमने जल्दी जाना होता है ना उसी दिन स्पेसिफिकली ऑर्डर ने लेट होना होता है। वैसे इनका ऑर्डर ऐसा होता है देख के इधर टेबल तक का ऑर्डर आ जाता है और आज ऑर्डर नहीं आ रहा। मैं कहती हूँ हमारी किस्मत में लिख दिया गया है कि हमें जल्दी हो के जाना होता है। बट खैर आज रेंचर्स में बिल्कुल भी रश नहीं है, जो कि बड़ी खुशी की बात है क्योंकि इनकी सिटिंग इतनी कंजस्टेड है ना कि अगर रश हो जाए ना तो बड़ा ही मसला होता है। कसम से आप खा नहीं सकते, इतना बड़ा बर्गर होता है, बंदा खाते हुए वैसे ही बेवकूफ लग रहा होता है, ऊपर से चार पांच बेवकूफ आपको देख भी रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई हम रश प्रेफर नहीं करते। ये गाने बंद हुए हैं, कसम से सर दुखने लगा दिया, बगैर ब्रेकअप के ना मुझे ब्रेकअप वाली फील लग गई। मैं इससे बेवकूफ औरत क्या किया तुमने, इसने मेरी पिक्चर खींच के रेंचर्स में मेरे भाई को भेज दी और मैंने घर बताया भी हुआ कि मैं यहाँ आई हूँ। डिलीट कर, सही था, उसने पापा को कह देना है पापा मैंने रेंचर गई हुई है, मेरा भाई भी एक नंबर का डंगर है। हाँ डिलीट करो यार, मैं घर जा कर बताऊँगी कि वो ना ऐसे उसवा मरियम का ऐसे हो गया था, तो वो फिर कहती कि हाँ तो तुम लोग की वजह से आई हूँ, वरना मेरा अपना तो कोई मूड नहीं था, इन्होंने मुझे फोर्स करके बुलाया। पापा आप सुन रहे हैं, ये दोनों मुझे ऐसे ज़बरदस्ती ले आती हैं। दो गाली लोगों को पता चले हाउ मच अब्यूजिव पर्सन यू आर, शी इज़ एन अब्यूजिव पर्सन, यू डोंट नो हर, आई नो हर। आप लोग इसको मास्क में देखते हैं, मैं इसको रियल में देखती हूँ, इसकी आप शक्ल देख लेना, आप उसकी शक्ल देख के कह दें कि हाउ मच अब्यूजिव शी लुक्स बाय ओनली लुक्स। ये क्या कट कर दें, ऐसे कटता था ना, ऐसे कटता था ना, ऐसे कटता था। भाई कट कर, भाई किसी को पीस भेज देंगे, कट कर दे, हाफ कर दे, ये हाफ कर दे, कट कर दे। देखो मैंने कोशिश की पर मैंने इसलिए कि तुम लोगों का बर्गर ना खराब हो, इसलिए मैं नहीं कर सकती। अपना कर तू, हम तुझे कह रहे हैं, ये देखो ऐसे ना करते हैं, इसे तो इतने छोटे छोटे लग रहे हैं, जोड़ी लाया है। अब अगर इसमें ये दूसरा, वो दूसरा नाइफ लेने गया, ये नहीं यूज करता वो। कर दो वन, आज जो बर्गर इतनी बदतमीजी कर रहे हैं ना, एक तो टूटी जा रहे हैं, गिरी जा रहे हैं, टूट भी नहीं रहे सही से, और ऊपर से ना ये स्ट्रोक, ये स्ट्रोक को बताओ कि ग्लास के अंदर रहना होता है, हर थोड़ी देर में बाहर आ जाता है आज। और ऊपर से ना हमारे टेबल के बिल्कुल सामने आके लोग बैठ गए, तो हमें खाने में इतनी शर्म आ रही है, एक तो इतना बुरे तरीके से बर्गर खाना होता है, तन क्या हो रहा है, इतनी क्रेविंग हो रही थी मुझे, मेरी क्रेविंग मुझे लगता है सही से सेटिस्फाई नहीं होनी, मेरे से जिस तरह मैं बर्गर खाना चाहती हूँ ना मेरे साथ खाया नहीं जा रहा। डन डन एंड डस्टेड, ये देखें खा पी के हम लोगों ने जो गंद डाला है आपकी सोच होगी। हमने सोचा कि हम रेंचर्स आए हैं तो अगर हम लेयर्स से मिलकर ना गए तो लेयर्स गुस्सा कर देगी। हमने एक छोटी सी पैकेट ही खरीदी है लेयर्स से, ताकि लेयर्स माइंड ना करें। तो खा पी लिया है हमने,
बहुत अच्छे से तमीज से क्रेविंग्स हमारी पूरी हो गई हैं और दिन भी पूरा हो गया है, ठीक है, क्रेविंग्स भी पूरी हो गई है और दिन भी पूरा हो गया। हमने इस तरह से जो है ना अपना आज का दिन गुजारा और घर जाके हमने क्या कहना है, बहुत काम किया हमने, पीछे हो जाए हमें सोने दी आंटी लाइन लाइन, उन्हें खुद ना पता चल जाए कि हम लोग जो है वो बाहर से क्या कारनामा करके आए। नहीं है ब्राउन फैमिलीज एंड ब्राउन फ्रेंड्स, दे डोंट हैव एथिक्स कि अगर कोई वीडियो बना रहा है तो उसमें बकवास नहीं करनी। इनकी बकवास इनके मुंह के ऊपर बैठी हुई, कैमरा खुल नहीं दे रहा, बस खुल नहीं दे रहा। सो अभी हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जाके शायद टाइम ना मिले। सो हेयर आई एम एंडिंग द व्लॉग, दिस वाज द व्लॉग, आई होप यू गाइस हैव लाइक्ड इट एंड इफ यू डू एंड व्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टिल द नेक्स्ट वीडियो, लव यू, बाय बाय एंड टाटा बोलो, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।